गाजियाबाद के पहले कमिश्नर अजय मिश्रा जी पहुंच चुके हैं गाजियाबाद में और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गाजियाबाद के लिए, क्योंकि गाजियाबाद में अब तक कमिश्नरी प्रणाली नहीं थी। गाजियाबाद में एक SSP लेवल के अधिकारी थे, आप सीनियर अधिकारी हैं, तो यहाँ की पब्लिक की समस्याओं का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा और कमिश्नरी में क्या क्या देखने को मिलेगा, सुधार की अगर बात करें? देखिए, ये कमिश्नरेट मॉडल आने का फायदा ये हुआ कि जो नंबर ऑफ सुपरवाइजरी अफसर्स हैं उनकी बढ़ गई, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की जो पावर्स हैं IPC CRPC में वो एक्स्ट्रा मिल गई, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है बट हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर इसको दूसरे तरीके से कह दें कि जहां ग्रीवांसेस को सुनने के लिए अगर 4 लोग थे तो वो 8 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, आदमी बढ़ गए तो निश्चित तौर पर सुपरविजन की क्वालिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्स टाइम हमारा अच्छा होगा, रिसोर्सेज हमारे मैन पावर के भी टर्म्स में बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे लीगल टर्म्स में भी बढ़ रहे हैं। तो 100% ये मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है चेंजेस को ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होने में, लेकिन अगले 2-3 महीने में आपको जमीन पे ग्राउंड पे चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। सर, देखने को मिलता है कि सरकार ने बस कमिश्नरी लगा दी लेकिन कमिश्नरी का ढांचा तय नहीं हुआ, अभी तक ऑफिसेज नहीं है, आपको भेज दिया कि आप जाइए सब कुछ तय कीजिए, अभी तक जी उसके बारे में ढांचा तय हो चुका है कि कितने DCP होंगे, कितने ACP होंगे, कितने एडिशनल CP होंगे, वो ढांचा ऑलरेडी तय, मतलब कार्यालय, हाँ वो सारे कुछ तय हो गए हैं। रही इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कहाँ कार्यालय बनेगा, कहाँ बिल्डिंग बनेगी, तो उसमें 2 तरीके का है कि अभी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि आप जमीन आइडेंटिफाई कर लीजिए और वहाँ एक हम अपना कमिश्नरेट का हेडक्वार्टर बना देंगे, उसके अलावा जितने जोनल कार्यालय बनाने उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वहीं भी उपस्थित है और उन्होंने भी बोला। तात्कालिक तौर पर यह हुआ है कि अगर बहुत देर होगी, क्योंकि बिल्डिंग लैंड एक्विजिशन अगर लैंड हमें मिल भी जाती तो भी एक सामान्य से सामान बिल्डिंग को बनने में 1.5 साल 1.5 साल लग जाते हैं, तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रपोज किया कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं या प्रीमाइसेज हैं जो उनके पास वैकेंट पड़े हैं, वो हमें दे देंगे, उनसे हम ऑपरेशनल कर देंगे उसको। सर, कितना फोर्स और बढ़ जाएगा अगर जिले की बात की जाए तो? नॉन गेस्टेड करीब 1,000। सर, जैसे कि अब तक देखा जाता था कि SSP लेवल के अधिकारी होते थे, मतलब आपसे जूनियर होते थे, लेकिन वो सुनवाई सबकी करते थे, आपके पास पहुंचना क्या पब्लिक के लिए उसी तरीके से होगा जिस तरीके से SSP के पास पहुंचते थे? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि मेरे दायित्वों में कमी नहीं आई है। तो सर, जैसे कि अगर यहाँ की घटनाओं के बारे में बात की जाए तो गाजियाबाद के बारे में ऐसा नहीं है कि आपको ना पता हो, इतने सीनियर अधिकारी हैं, काफ़ी समय से आप देखते आ रहे हैं, पुलिसिंग कर रहे हैं, तो गाजियाबाद के बारे में सुना भी आपने काफ़ी होगा। तो सबसे ज़्यादा चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, महिलाओं के साथ की घटनाएं जो जाते हैं वो ट्रांसेंडन वाली बेल्ट में, हाँ ये मुझे पता चला है कि पूरे NCR की प्रॉब्लम है और गाजियाबाद में पर्टिकुलरली जो आपकी ट्रांसेंडन वाली बेल्ट है उसमें इस तरीके की इंसिडेंट ज़्यादा होती हैं। इसको हम पेट्रोलिंग बढ़ा के और अपनी मोबिलिटी बढ़ा के, क्योंकि चेन स्नैचिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है आपकी मोबिलिटी, और अगर बाइक से आपकी पेट्रोलिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। गाजियाबाद की जनता सर ये भी जानना चाहती है कि गाजियाबाद में कितने अधिकारी बैठेंगे, कितने जोन होंगे और किस तरीके से जो कमिश्नरी प्रणाली किस तरह का हमारे पास होंगे, 3 जोन होंगे और 9 ACPs होंगे, 1 एडिशनल CP होंगे। किस तरह से काम होगा सर? अगर थाने से पब्लिक जैसे भगा दिया जाता है, मान लिया कि थाने से कोई फरियाद ही गया, एप्लीकेशन लेके गया, नॉर्मली होता भगा दिया जाता है, तो फिर उसके बाद वो अपनी फरियाद लेके सबसे पहले किस अधिकारी के पास पहुंचे या सीधा कमिश्नर साहब के पास पहुंचे? अभी इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ओपन सोर्सेज इतने हमारे पास चैनल हो गए हैं कि अब ये आदमी के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं कि अगर उसकी थाने से नहीं सुनी जाती है तो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता है एप्लीकेशन पुलिस के, ट्विटर हैंडल पे डाल देता है, फेसबुक अकाउंट पे डाल देता है। अब वो समय नहीं रहा कि अगर थाने से आपकी एप्लीकेशन की रिसीविंग नहीं मिली है तो आपके पास और कोई जरिया नहीं है। सर, वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो कमिश्नरी बनने के बाद पुलिस के पास आ जाती है और जो पहले नहीं थी? अगर आप एक शब्द में बोलेंगे तो प्रिवेंटिव पावर्स, यानी अपराध करने के पूर्व अगर हमें इस बात का अंदेशा है कि एक व्यक्ति या एक ग्रुप किसी पर्टिकुलर तरीके का अपराध कर सकता है तो भी हम उसको डिटेन कर सकते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी सारी धाराएं होती है। सर, धाराओं के हिसाब से जानना चाहते हैं आपसे कि धाराओं की कौन सी है? जैसे डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम क्या होता है? उसमें डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि साहब इन इन कारणों से इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ हुई है, उसको कोई बीमारी थी, स्ट्रैंगुलेशन हुआ, किसी ने ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा, हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा, शार्प वेपन का यूज़ किया, बुलेट का इस्तेमाल किया। एक डॉक्टर एक ये भी काम करते हैं कि वो आपकी बीमारी का जीते जी पता लगा लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग की जो हमें पावर्स मिलती हैं, ये हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि अपराध होने के पहले ही हम उसको
आइडेंटिफाई कर सकें और करेक्टिव मेजर्स ले सकें। इससे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अपराध कम हो जाते हैं। तो अजय कुमार मिश्रा जी, पहले कमिश्नर हैं गाज़ियाबाद के, आप बहुत बहुत बधाई एबीपी गंगा की तरफ से। तो गाज़ियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा जी, जो कि गाज़ियाबाद पहुंचे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से कमिश्नर यानी कमिश्नरी जो प्रणाली है जो लागू हुई है वो किस तरह से काम करेगी। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।